इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी न किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 29 अप्रैल के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। देश की राजधानी दिल्ली में आज ही के दिन 1639 में लाल किले की नींव रखी गई थी। लाल पत्थर से दिल्ली के बीचों बीच बनी इस इमारत की भव्यता लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। देश दुनिया के इतिहास में 29 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का निधन आज ही के दिन 1236 में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार भामा शाह का जन्म आज ही के दिन 1547 में हुआ था। आज ही के दिन 1639 में दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई थी। सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म आज ही के दिन 1848 में हुआ था। आज ही के दिन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। भारतीय इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा का जन्म आज ही के दिन 1958 में हुआ था। उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा गांधीवादी कार्यकर्ता गोप बंधु चौधरी का निधन आज ही के दिन 1958 में हुआ था। हिंदी जगत के कवि, गद्यकार और अद्वितीय वक्ता बाल कृष्ण शर्मा का निधन आज ही के दिन 1960 में हुआ था। टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी आंद्रे अगासी का जन्म आज ही के दिन 1970 में हुआ था। आज ही के दिन 1978 में अफगानिस्तान के विद्रोही गुट ने सत्ता हासिल की थी। काबुल रेडियो पर घोषणा की गई कि उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वायुसेना अध्यक्ष लड़ाई में मारे गए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का जन्म आज ही के दिन 1979 में हुआ था। भारत के सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप का निधन आज ही के दिन 1979 में हुआ था। आज ही के दिन 1991 में बांग्लादेश के चटगांव में आए चक्रवाती तूफान में 1,38,000 लोग हताहत हुए थे। 1993 में आज ही के दिन पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया था। इसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट लगाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के 17वें गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा का निधन आज ही के दिन 1997 में हुआ था। भारतीय फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और गीतकार केदार शर्मा का निधन आज ही के दिन 1999 में हुआ था। आज ही के दिन 1999 में जापानी संसद ने बच्चों के यौन शोषण पर रोक संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। 2006 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने हत्फ 6 मिसाइल का परीक्षण किया था। आज ही के दिन 2008 में ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद संक्षिप्त यात्रा पर भारत आए थे। 2011 में आज ही के दिन लंदन के ऐतिहासिक चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में ब्रिटिश राजकुमार विलियम और केट मिडलटन का विवाह हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।